आज मैं आपके साथ क्रिस्पी चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही मजेदार बनता है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये बाजार से भी अच्छा बनता है, घर में आप इसे जरूर घर में बनाएं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो एंड तक देखें ताकि आपसे कोई चीज मिस ना हो जाए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी चिकन के लिए मैंने एक चिकन का सीना लिया है, अब इसके स्ट्रिप्स काट लेंगे। इस तरह से दरमियान से पहले कट करेंगे। अब इसको लंबाई में काट लेंगे। चिकन की स्ट्रिप्स मैंने काट ली हैं, अब चिकन को मैं मैरिनेट करूंगी। एक बॉल मैंने ले ली है, अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूंगी। अब मैं चिकन में मसाले ऐड करूंगी, नमक हाफ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर क्वार्टर टी स्पून ये ऐड कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, पीसी हुई लाल मिर्च 1 टी स्पून, लहसुन का पाउडर 1 टी स्पून ये ऐड कर देंगे, सिरका 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, केचप 1 टेबल स्पून, चिल्ली सॉस 2 टेबल स्पून ये ऐड कर देंगे, दूध इसमें जाएगा 4 टेबल स्पून। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे चिकन के साथ। सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो गई। अब मैं चिकन को कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए। कोटिंग के लिए मैंने मैदा लिया आधा किलो, अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। नमक लिया मैंने 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून ये मैदे में ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। चिकन मैरिनेट हो चुका है, अब मैं चिकन की कोटिंग करूंगी। चिकन की कोटिंग के लिए मैंने मैदा लिया और ठंडा पानी लिया है। अब सबसे पहले मैदे में चिकन को डाल देंगे इस तरह से दबा के इसके ऊपर मैदा लगाएंगे। ये अच्छी तरह दबा के लगाना। मैदा मैंने लगा लिया, अब पानी में डिप करेंगे। ये फ्रिज वाला ठंडा पानी लिया मैंने। अब दोबारा से मैदे में लगाएंगे इस तरह से। ये दोबारा से मैदे की कोटिंग करनी है। ये अच्छी तरह आप चिकन को हल्का सा झाड़ेंगे। इस तरह से करने से चिकन अच्छी तरह क्रिस्पी बन जाएगा। हल्का हल्का झाड़ना इस तरह से। अब ये प्लेट में रखते जाएंगे। चिकन की कोटिंग मैंने कर ली है, अब चिकन को डीप फ्राई करेंगे मीडियम आग पे। अब चिकन को क्रिस्पी करेंगे 4 से 5 मिनट। चिकन को ज्यादा नहीं पकाना। अब चिकन की साइड चेंज कर देंगे। चार से पांच मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा अच्छी तरह क्रिस्पी हो चुका है, कलर भी बहुत अच्छा है। अब इसको मैं दबा देती हूँ। क्रिस्पी चिकन को मैंने फ्राई करके ट्रे में निकाल लिया है। आप इसको केचप के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएंगे ये आपको कैसी लगी।